का सज्जन मातृवृंद, पाश्चात्य देश में हरिशंकीर्तन आंदोलन उसका विषय आपको संक्षेप में कुछ मैं बोलना चाहता। सन 1965 साल में हमारे गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार मैं अमेरिका में गया था और सितंबर 17 तारीख 1965 बोस्टन पोर्ट में मैं अमेरिका में पहुंचा और हमारा पास मात्र 40 रुपया था। मुझे मालूम नहीं था कैसा अमेरिका शहर में रहना है और कहाँ जाना है। एक मित्र का पुत्र गोपाल अग्रवाल वो बटलर में रहता था, वो हमको निमंत्रण दिया था। उसका घर में पहुंचा पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क से कोई 1,000 माइल दूर में। उधर 10-15 रोज ठहर करके फिर न्यूयॉर्क में आया। न्यूयॉर्क में 1 वर्ष तक कभी इधर कभी इधर घूमते फिरते रहा। एक कमरा लिया जिसका 700 रुपया किराया। उधर से भी हमारा सब चीज चोरी हो गया। ऐसे करते करते 1966 साल में ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कृष्ण भक्ति रसोभावितामृति संघ, इसको न्यूयॉर्क का धर्म कानून का अनुसार रजिस्टर किया। फिर उधर न्यूयॉर्क में एक टॉमकिंसन स्क्वायर बगीचा है, उधर शाम को बैठते रविवार में यही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का कीर्तन करने के शुरू कर दिया। आस्ते आस्ते ये नौजवान लोग ये सब हमको घेर लिया। हाँ, कुछ दिन बाद कुछ हमारे कोई 10-12 नौजवान हमारा चेला बन गया। उसको खूब अच्छी तरह से सिखाया और पहले ब्रांच शाखा सैन फ्रांसिस्को जाके खोला। उसका पश्चात मॉन्ट्रियल में, उसका बाद बोस्टन बफेलो, इस प्रकार करते करते 1970 साल में हमारा तबीयत कुछ खराब हो गया। फिर हम इंडिया में भारत में लौट के आया और 6 महीना रहने का पश्चात फिर 1978 साल में मैं सैन फ्रांसिस्को में लौट गया। जाकर के फिर आंदोलन शुरू किया और सन 1968 से 8 अगस्त 70 तक हमारा 42 केंद्र खुल गया सारा दुनिया में, खाली अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में और फ्रांस में, जर्मनी में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। ऐसे अभी हम लोग का 45 क्षेत्र है वर्तमान, यानी 4 वर्ष का 48 महीना का भीतर 45 क्षेत्र खुला है, यानी महीना में एक एक क्षेत्र खुला है। तो कहने का मतलब यही है, जो पाश्चात्य देश में भौतिक सभ्यता का खोज देख लिया, वो भौतिक सभ्यता का जो असल आनंद है,
रुपया और औरत ये वो सब खूब भोग लिया, अब भगवान को चाहते हैं। जैसा ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र में कहते हैं कि दुनिया का भोग करने का पश्चात जीव का एक आग्रह होता है, उस जिसका नाम है ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीव कभी भौतिक आराम से आनंद लाभ नहीं कर सकेगा, उसको ब्रह्मानंद चाहिए। इसलिए भौतिक आनंद का पश्चात वह ब्रह्म विषय में जिज्ञासु होते हैं। ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र में इसलिए कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। फिर उसका उत्तर है ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, जन्मादस्यतः, जहाँ से सब चीज का जन्म होता है वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। जैसे भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्विता। जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं मूल पुरुष ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का चरणारविंद में अपने को समर्पित कर देता है। बहुनाम जन्म नामंते, ये बुद्धि खुलती है अनेक जन्म का पश्चात। जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं भगवान को समझ सकता है, तो चैतन्य महापुरुष की कृपा से वो अनेक जन्म नहीं एक ही जन्म में कई एक बरस से यदि चैतन्य महापुरुष का वो जो पंथा है उसको अवलंबन करे तो एक ही जीवन में भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत भक्त रूप से चैतन्य रूप से आविर्भूत होकर के कृष्णा भक्ति किस प्रकार अवलंबन किया जाता है उसका क्रियात्मक भाव से हम लोग को सिखाया। आप लोग से निवेदन है कि ये चैतन्य महापुरुष के जो प्रवर्तित पथ है कि हरेर्नाम 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 केवलम, ये चैतन्य महापुरुष का प्रवर्तित अर्थात ये शास्त्र में है। चैतन्य महाप्रभु आचार्य रूप से हम लोग को सिखाया। आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश नवद्वीप जिला में आविर्भूत होकर के ये हरे कृष्णा मंत्र सारा भारतवर्ष में प्रचलित किया था। आपका इधर दक्षिण भारत में ये तुकाराम ये भी चैतन्य महापुरुष के शिष्य थे, ये भी हरेर नाम का खूब प्रचार किया। इसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश में हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार बहुल है। आप लोग सब जानते हैं आपका देश में भी है, यही कलयुग का साधन है। सब कोई जैसा अवस्था में रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे संन्यास हो चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, सब अपना घर बैठ के कि एकत्रित मंदिर में और कहीं मिलित होकर के आप लोग सब केवल बोलिए हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। फिर बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। इस विषय में और भी एक आपको सामने निवेदन करना चाहता हूँ। चैतन्य महापुरुष का इच्छा प्रकट किया है
পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। চৈতন্য বাবু কানা হ্যাঁ আর এক জায়গাতে কাহা ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যা জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। চৈতন্য বাবু কানা হ্যাঁ যে ভারত ভূমি মে জিসকা মনুষ্য জন্ম হুয়া হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ মন্ত্র জপা করকে আপনা জীবন কর সফল করে আর উসকো পশ্চাৎ সব দেশ মে যা করকে পরোপকার করে ये नाम कीर्तन से ही सबका सुख होगा। तो अभी तक मैंने अकेले कुछ थोड़ा बहुत जो कोशिश किया है और उसका बाद ये हमारा अमेरिकन यूरोपियन शीर्ष लोग को सिखा करके सारा दुनिया में थोड़ा थोड़ा प्रचार कर रहा हूँ। आप लोग का खबर मालूम है। यदि आप लोग नौजवान जो है इस आंदोलन में योगदान करेंगे तो सारा दुनिया में जैसे चैतन्य महापुरुष की इच्छा थी एक एक गांव में एक एक शहर में ये हरे कृष्ण मंत्र का आंदोलन हो सकता है। इसलिए मैं इधर ये मीटिंग में जो सभा में जो उत्साही नवयुवक उपस्थित है मुझसे मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग आइए ये आंदोलन में सब सहयोग कीजिए। सारा दुनिया में सुख शांति ये हरे कृष्ण मंत्र द्वारा ला सके हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।